केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या से मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर प्रणव पांड्या ने जम्मू कश्मीर के 100 छात्राओं को अपनी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा की। तो वहीं डॉक्टर निशंक ने प्रवण पांड्या के इस फैसले का स्वागत किया। इसके बाद शांति कुंज के सभागार में डॉक्टर निशंक ने प्रेस वार्ता की, जिसमें निशंक ने बताया कि केंद्र सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए। साथ ही उन्होंने धारा 370 हटाने, धारा 335 ए को निरस्त करने, मिशन चंद्रयान 2 जैसे बड़े फैसलों की सराहना की। जिसमें यदि महत्वपूर्ण देखेंगे तो 370 को हटाना और 35 को निरस्त करना, ये देश के इतिहास में 70 वर्षों से हम कह रहे थे कि नहीं, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलने हैं, चलने चाहिए। आज वो काम, और उस काम में भी बहुत ताकत के साथ और बहुत शांति के साथ, जिस तरीके से आज कश्मीर खड़ा हुआ, लद्दाख खड़ा हुआ है पूरे देश के साथ, और जिस तरीके से पूरी दुनिया, अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, फ्रांस हो, पूरी दुनिया जिस तरीके से हिंदुस्तान के पीछे खड़ी हो गई, हमारे प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ी हो गई, ये अपने आप में एक इतिहास है। अमेरिका में लोग किस तरीके से खुश हैं मोदी जी को देखने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनको कैसे करके मोदी जी को देख पाए, क्या ललक है, पूरा दुनिया आज मोदी जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए लालायित रहती है। ये हिंदुस्तान की ताकत पूरे विश्व में बढ़ रही है, और ये जब जब भी मोदी जी अमेरिका सहित दुनिया के देशों में जाते हैं, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष उनको उस सीमा तक का सम्मान देते हैं, तब तब हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का माथा ऊँचा होता है और उसको गर्व महसूस होता है कि हाँ, देश पूरी विश्व में प्रगति कर रहा है, उसका सम्मान बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाली योजनाओं से सारे लाभ और सुविधाएं वहां के लोगों को मिलने लगी हैं। इसके साथ ही कहा कि जिस भी राष्ट्र में मोदी जी जा रहे हैं, वहां उनको विशेष सम्मान मिलना दर्शाता है कि भारत एक बड़ी ताकत के रूप में आगे बढ़ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।